तो यार अपनी हिमालयन गैंग जाने के लिए रेडी हो। तो यार दिल यही कर रहा है कि यहीं पे रुक जाऊं और रात भर यहाँ की स्नोफॉल एंजॉय करूं। बड़ी बड़ी रुई गिर रही है। यो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। तो यार कल हमने घूमा मनाली की माल रोड और हडिम्बा टेम्पल, और आज का जो भी का प्लान है, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3। एक्चुअली हम लोग लेट हो गए यार, आज अभी तक ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह कुछ भी नहीं किया। आज का जो हमारा प्लान है वो हम अटल टनल तक जाने वाले हैं। लोगों ने हिमालय रेंट पर ले ली है, वो खड़ी हैं अपनी दो हिमालय नूर और एक ये पेड़ के नीचे दिख रही होगी। तो 3 हिमालयन है हमारे पास। एक्चुअली मैं तो सोलो आया था, मेरे को यहाँ भाई लोग मिल गए, 5 लोग वो हैं और एक मैं 6। तो 3 हिमालयन ली है, एक बाइक पर दो बंदे आ जाएंगे। तो मेरा भी यार थोड़ा बजट में बैठ गया नहीं तो आज मैं ट्रैकिंग करके ही घूमने वाला था। तो अटल टनल तक जाएंगे, अभी ये नहीं पता 3 बज चुके हैं, वहाँ तक जाया जाएगा या नहीं, बट जहाँ तक भी जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि हमें तो स्नो का व्यू लेना है यार, स्नोफॉल देखने हैं। स्नोफॉल देखने हुई आगे, सारी धूप खिली हुई है। अटल टनल और उसके बाद वशिष्ठ विलेज है यहाँ पर, वहाँ पर राम मंदिर और वशिष्ठ टेम्पल है और गर्म पानी का कुंड भी है वहाँ पर। तो आज का बस यही प्लान है, उसके बाद शाम को आकर थोड़ा बहुत ओल्ड मनाली को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी बस भाई लोग तैयार हो चुका हूँ। नाम बता दो अपना। सुब्रत नाम है भाई का। कहाँ से भाई? उड़ीसा से है भाई। भाई आज सुबह तक हमारे साथ नहीं थे, कल रात को बस में बैठे और सुबह ही हमारे पास पहुँचे हैं, और आराम वगैरह भी नहीं किया भाई ने, जस्ट हमने बाइक ऑलरेडी बुक करके रखी थी और भाई आए और बस अभी निकलने की तैयारी है पूरी। ठीक है, अभी भी तैयार हो गए और बस निकलते हैं, आप अपनी अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो यार अपनी हिमालयन गैंग जाने के लिए रेडी हो चुकी है, ये सब भाई हैं जो जाने वाले हैं, एक भाई अभी अंदर है। मैं ड्राइव नहीं कर रहा यार क्योंकि मेरे को वीडियो शूट करनी है, क्योंकि हेलमेट का माउंट वगैरह तो मैं लेकर नहीं आया था, जस्ट हाथ में कैमरा पकड़ूंगा और शूट करूंगा। ये भाई मेरी बाइक ड्राइव करने वाले हैं आज, भाई ध्यान से लेकर जाना, गिराना मत यार। तो यार अभी खाना खाने के लिए ढाबे पर आए हैं, मैंने मंगवाया अंडे वाला परोठा और ये भाइयों ने मंगवाया है भाई कौन सा है, टेस्ट कैसा है? मस्त है। तो अभी खाना खाते हैं, इसके बाद देखते हैं शायद अटल टनल जाएंगे, अगर रास्ते को मिल गई तो अटल टनल जाएंगे, लुगनी वाटरफॉल वगैरह जो जो है नज़दीक का सब वो घूमेंगे। तो अभी बस खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली यार खाना वाना खाकर हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर हल्का सा एक स्ट्रिंग ब्रेक लिया है, पीछे व्यू देखो यार क्या ही व्यू है, और इधर से सुलांग वैली 7 किलोमीटर बचा है और अटल टनल 19 किलोमीटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के चले तो 40 मिनट के आसपास लगेगा अटल टनल जाते हुए। बाकी तो यार सामने सोलांग वैली है जहाँ पर एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो यार पिछली बार का व्लॉग देखना आप लोग, इतनी ज़्यादा स्नो थी ना, दो दो तीन तीन फुट स्नो थी, लेकिन इस बार तो भाई कुछ भी स्नो नहीं है यार, इस बार स्नोफॉल ही नहीं हुई यहाँ पर, बहुत कम है यार। तो यार जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हुई, मेरे को लग ही रहा था कि सोलांग वैली से हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा, वही चीज़ हुई। यहाँ आगे पुलिस वालों ने नाका लगा रखा है, अटल टनल का रास्ता बंद है, स्नो वगैरह जमी हुई है वहाँ पर, तो बोल रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे आना तो अलाउ कर देंगे अगर रास्ता साफ हुआ, लेकिन रात की प्रेडिक्शन है जो कि स्नोफॉल होगी। बाकी देखो अगर कल जाने देंगे तो कल जाएंगे। ये सोलांग वैली देख लो आप लोग एक बार, यहाँ सारी स्नो रहती है, इस बार कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल खाली पड़ी है। वो ऊपर ऊपर वाले पहाड़ों पर स्नो है लेकिन सोलांग वैली बिल्कुल ही टूरिस्ट है, लेकिन स्नो बिल्कुल भी नहीं है, वो कहीं कहीं पर कहीं इतनी इतनी सी स्नो पड़ी है बस, यही है यहाँ पर यार।
ऐसे ना मूड ऑफ हो जाता है जब आप सोच के आओ कि हमें स्नो मिलेगी, लेकिन स्नो ना मिले तो यार मूड ऑफ तो होता ही है ना। अभी बाकी यार कल का लिखा हुआ है 100% स्नोफॉल, देखते हैं अगर हो जाए तो ये सारा सफ़ेद हो जाएगा और घूमने फिरने का भी माहौल बन जाएगा यहाँ पर। तो यार अपने भाई करने लगे हैं ये बंजी जंपिंग, तो भाई कैसा फील हो रहा है? भाई कल्टी दिलवा देना इसको भी। देखते हैं यार भाई का एक्सपीरियंस कैसे रहता है। जाओ जाओ। 1 2 3 go मजा मजा रहा है। ऐसे लगा ना किसी ने आतिशबाजी को आग लगा दी और फेंक दी मेरे को लिटरल लगा मैं क्या। बट लेकिन भाई मैं सजेस्ट करूंगा जो भी मेरे ट्राई नहीं करे प्लीज एक बार ट्राई करो। मैं भी करूंगा, मैं कल भी ट्राई करूंगा। करनी चाहिए, अगर मनाली आ रहे हो तो जरूर सोलंग वैली आना और ये जरूर ट्राई। तो फाइनली यार हम लोग पहुंच चुके हैं वशिष्ठ विलेज में, अभी उसकी मार्केट में घूम रहे हैं, टेंपल अभी आगे है। यार रास्ते का वो लोग मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरे पास हेलमेट का माउंट नहीं है ना गोप्रो पर लगाने वाला, क्योंकि मेरे बजट में नहीं था वैसे जब मैं घर से चला था कि मैं बाइक रेंट कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर भाई लोग मिल गए तो वो मेरे को सस्ता पड़ गया। तो अभी ये सारी मार्केट है। भाई कैसा लगा रास्ता वशिष्ठ टेम्पल का? जो चट्टान हम लोग खींच के ऐसी सीधी चढ़ाई थी भाई, सीधी चढ़ाई। तो अभी आप लोगों को एक बार मार्केट दिखा देता हूँ विशिष्ट विलेज की, यहाँ पर आप लोग शॉपिंग वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। टेंपल थोड़ा आगे है, अपनी बाइक भी वहीं पर टेंपल के पास में लगी हुई है। ये सारी मार्केट है, सेल 400 फिक्स। पेड पार्किंग टू व्हीलर, ओके पार्किंग आगे जाकर थी, हम लोगों ने मंदिर के बाहर ही लगा दिए। बस ये छोटी सी मार्केट है विशेष विलेज की, अभी चलते हैं टेंपलों की तरफ और यहाँ पर गर्म पानी का कुंड भी है वो भी देखते हैं। बस मंदिर बंद ना हो गए, ये थोड़ा मेरे को डर भी लग रहा है। ये शिव मंदिर है और वो वशिष्ठ टेम्पल है, एक बार दर्शन कर लो आप लोग भी। जय भोले, जय भोले। बाकी यार आर्किटेक्ट काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लकड़ का बना हुआ ये टेम्पल। और ये है वशिष्ठ टेम्पल जिसके लिए वशिष्ठ विलेज जाना जाता है, तो इसके भी दर्शन कर लो आप लोग। अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है यार, मेरे साथ वाले किधर गए? वो खड़े हैं इधर। महिलाओं के लिए गर्म पानी का कुंड है और इधर करवाने पड़ेंगे उनको अपने जूते जमा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इधर भी मार्केट का छोटा सा हिस्सा है और आगे क्या है, इधर भी गर्म पानी आता है, ये सारा गर्म पानी के नल है आते हैं। तो यार अभी अपने जूते यहाँ पर जमा करवाते हैं और उसके बाद मंदिर के अंदर अगर कैमरा अलाउ होगा तो अंदर से भी दिखाऊंगा और गर्म पानी के कुंड में चलते हैं वहाँ। तो यार जूते वूते तो जमा करवा दिए, अभी जेंट्स बात पुरुषों के लिए इस साइड में है, लेडीज़ का मैंने आपको पीछे दिखा दिया। ओ भाई पैरों की तो वाट लगी यार, काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है। अंदर तो यार काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सब लोग अपना अपना नहाने में लगे हुए हैं, मेरे साथ वाले पीछे, तो मैं उन लोगों को लेकर आता हूँ, उसके बाद अंदर ही मिलते हैं आप लोगों को सीधा। तो भाई अपने में से कौन कौन नहाने वाला है, कौन कौन नहाएगा? मैं जा रहा हूँ। नहाने जा रहे हो? आप जा रहे हो? आप भी नहा रहे हो? नहा रहे हो? सभी लोग नहा रहे हो? आप? नहीं यार मैं तो नहीं नहाने वाला। अभी चल ना, फील आ जाएगी, फील तो आ जाएगी। जीरो को होने के आसपास है।
है, मम्मी की भी कोल्ड आ रही है। अरे टेम्परेचर देखो -1 डिग्री सेल्सियस भाई, टेम्परेचर माइनस में जा चुका है यहाँ पर, इसलिए मैं नहीं जा रहा क्योंकि अंडर गारमेंट्स मैं लेकर नहीं आया इस टेम्पो में, तो यही पहन कर जाना पड़ेगा वापस, वो सारा जम जाएगा। हेलो, डुबकी लगानी होती है भाई, कैसे लगा? रिलैक्सिंग? एक एक करके सब चले गए, हमारा एक भाई उधर अभी वो भी कपड़े उतार रहा है, वो भी जाने वाला है। ओ भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? अगर हम ज्यादा अल्लाह की करंट चढ़ गया। तो यार मेरे दोस्त लोगों ने नहा वहा लिया वहाँ पर, और उसके बाद दोबारा से हम लोग इधर आए हैं टेंपल की तरफ। टेंपल के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, दर्शन कर लिए टेंपल के, अभी चलते हैं वापस अपने ओल्ड मनाली की तरफ, अपने हॉस्टल की तरफ। मंदिर की हिस्ट्री क्या है ये मेरे को भी नहीं पता, यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्क्रीन शॉट लेकर देख लेना, है ना, ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर मंदिर की। बाकी यार अगर आप लोग मनाली आए हो तो वशिष्ठ विलेज जरूर आना, मनाली से 3-3.5 किलोमीटर दूर है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। यहाँ का माहौल काफ़ी बढ़िया है यार, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर आकर। तो यार अभी चलने से पहले मैंने यहाँ का वेदर चेक किया, देखो गाइस वशिष्ठ गांव का वेदर यहाँ पर -13 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, पर उस हिसाब से ठंड लग नहीं रही, पता नहीं तो ये इनका कोई ग्लिच है गूगल वालों का या क्या है, बट -13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है यहाँ पर। ठंड वैसे है पर -13 वाले हिसाब से नहीं है, -1-2 मान सकते हैं, -13 वाले हिसाब से ठंड नहीं है यहाँ पर, बाकी जगह बहुत मस्त है यार। अभी आते हुए तो आपको रास्ता नहीं दिखाया, अभी ओल्ड मनाली जा रहे हैं तो आपको वशिष्ठ की मार्केट और रास्ता दिखाऊंगा। डाउन हिल देखो यार कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है यहाँ पर, ऐसी चढ़ाई चढ़कर ही हम लोग आए थे, ऐसी क्या यही तो चढ़ाई थी। यहाँ पर अंधेरा आ गया, बस यहाँ तक ही था वशिष्ठ विलेज, और अभी बस नॉर्मल हल्का फुल्का दुकानें हैं, उसके बाद जंगल आ जाएगा। आई डोंट नो यार कैमरा अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, वो जो सामने लाइटें दिख रही हैं ना, ये देखो इधर से, वो सारा मनाली सिटी है, ये सारा ओल्ड मनाली है, वो आगे सारा मनाली है। आई डोंट नो कि